बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। मिलकर हम कुलुसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय की 13 आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है और आपने ये चाहा है कि आप ये परिपूर्णता हमें दें। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन की सच्चाई और गहराई को हम समझ सकें, ऐसा अनुग्रह आप हमें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा अध्याय उसकी 13 आयत। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, उसके साथ जिलाया। 12वीं आयत में पौलुस ने हमें याद दिलाया था कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और विश्वास करने के द्वारा, अन्य शब्दों में विश्वास करके हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे हुए में से जी उठे जब हम बपतिस्मे के जल से बाहर आए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हमको याद रखना है और हमें अपने आप को निरंतर याद दिलाते रहना है और अन्यों को भी याद दिलाते रहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे ताकि नई चाल हम चल सके। एक बात पौलुस 13वीं आयत में एक बार और प्रस्तुत कर रहा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में, खतने की बात उसने 11वीं आयत में कही थी। यहूदी लोग बाहरी खतना करते थे लेकिन पौलुस सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को याद दिलाते हुए, वो सिखा रहा है कि खतना बाहर का नहीं, खतना मन का होना बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसी खतना रहित दशा में थे तो पौलुस ऐसे लोगों को, और हम भी ऐसे ही थे, मानो हमारे लिए हमारी पूर्व अवस्था के विषय में कहता, हम मुर्दे थे, मरे हुए थे, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का जीवन नहीं था, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं थी कि हम यीशु मसीह की इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। और इसलिए पौलुस उस दशा के विषय में कहता है हम मुर्दा से थे। एक बार और, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, क्या किया? उसके साथ जिलाया, उसके साथ जिलाया। न केवल एक दिन हम जिलाए जाएंगे लेकिन हम इस पृथ्वी पर आत्मिक जीवन जीने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए हम जिलाए गए हैं। बपतिस्मा लेकर जब हम बाहर आते हैं, हम एक नए जीवन की चाल चलने के लिए हम जिलाए गए हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसी आयत में वो आगे कहता है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। न केवल हमें उसने जिलाया लेकिन हमारे विरुद्ध में जो पापों की सूची थी, हमारे विरुद्ध में जो अपराध की सूची थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? उसको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। उद्धार के लिए बाइबल के अंदर कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है पाप क्षमा, हमको पाप क्षमा दिए। एक और अर्थ उद्धार का है, हमारा मेल मिलाप करवाया गया है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया गया है। तो पाप क्षमा किए गए हैं, हमारा मेल मिलाप किया गया है। पौलुस अन्य शब्दों का प्रयोग करते हुए उद्धार के बारे में कहता है, हमारे पापों की कीमत अदा कर दी गई है, हमारे पापों का प्रायश्चित, एक और जगह वो कहता है, कर दिया गया है। तो कई शब्दों को लेकर पौलुस एक ही सच्चाई को स्थापित करना चाह रहा है। क्या है वो? हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अब 14 आयत देखिए, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। मैं इसको समझाने के लिए दो आयतों को आपको दूंगा, उसके बाद और इसका विश्लेषण आपको दूंगा। फिशियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 15 आयत देखिए। फिशियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। विधियों की रीति पर थी, विधियों की रीति पर थी, मैं समझाऊंगा। रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 32 आयत भी देखिए। रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 32 आयत,
वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो क्या कह रहा है पौलुस? विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। परमेश्वर ने विधियां दी थी और उन विधियों के विरुद्ध हम शुरू से चले हैं। हम कर्मों से ही नहीं, हम जन्म से पापी हैं और इस कारण मेरे नाम पर एक विधि या पाप की एक सूची थी जो मैं करता चला गया। वो सूची बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ता गया वो सूची बढ़ती गई और ये जो सूची थी मेरे विरोध में थी, मेरी ओर नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने अपनी विधियां लिख कर रखी और मैं निरंतर उसके विरुद्ध में ही करता गया क्योंकि मैं मुर्दे सी अवस्था में जी रहा था। पौलुस कह रहा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, मेरे नाम पर था, ये लिस्ट मेरी थी और मेरे विरोध में थी। कई बार अपराधियों को अपराध करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और पुराने समयों पर उनके अपराध को एक पट्टिका पर लिखकर गले में टांगकर केस नंबर और कैदी नंबर ऐसे लिखकर उनका फोटो या चित्र लिया जाता था ताकि याद रहे इस आदमी ने कौन सा अपराध किया है, केस नंबर क्या है। उस समय पर डिजिटल दुनिया नहीं थी तो इन बातों का वे लोग प्रयोग करते, तो पट्टिका को वे लोग छाती पर टांगा करते थे, मेरे अपराध ये हैं, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, मेरे अपराध ये, ऐसे। पौलुस कह रहा है मेरे जीवन में भी, मेरे गले में भी, हम सबके गलों में ये पट्टिका थी जो हमारे विरुद्ध थी, हमारे लिए नहीं थी, हमारे विरुद्ध थी ये पट्टिका और हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को ये बताती थी। आगे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस पट्टी को लेकर उसको मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मेरे विरुद्ध में जो लिस्ट थी प्रभु यीशु मसीह ने उसको न केवल मिटा दिया, मिटा डालना मुझे प्रकाशित वाक्य के सातवें अध्याय की याद दिलाता है जहां पर लिखा है एक दिन हमारे आंसू मिटा दिए जाएंगे, गायब कर दिए जाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों की सूची को मिटा देता है और न केवल मिटा देता है, देखिए, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे अपराध थे, जब भी हम परमेश्वर के सामने आना चाहते थे ये अपराध हमारे मध्य में खड़े होते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के महान बलिदान के द्वारा न केवल इस पट्टी के ऊपर लिखे हुए अपराधों को मिटा दिया, उसने इस पट्टी को लेकर कलवरी के क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और हमेशा के लिए उसके सामने से हटा दिया। अब जब भी मैं आता हूं मैं धर्मी ठहराया जाता हूं और मैं मेरे कार्यों के आधार पर नहीं, उस कलवरी के प्रेम, उस कलवरी के प्रबंध, उस कलवरी के चमत्कार और उस कलवरी के महान त्याग के द्वारा उसके सामने निर्दोष ठहराया जाता हूं। मैं आशा करता हूं आपको ये सच्चाई समझ में आ रही होगी। एक बार और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। 15वीं आयत, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, वापस आ गया, पहले अध्याय में भी देखा, उसके बाद हमने 10वीं आयत में भी देखा इस अध्याय की, दूसरे अध्याय की, और अब वापस आ गया। तो हम समझ रहे हैं कि ये भ्रमणकारी शिक्षक इन शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर लोगों को लुभा रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे। उन्हीं की बातों को लेकर पौलुस उन्हीं की शिक्षा का खंडन करता है। अब 15वीं आयत देखिए, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, प्रधानताओं और अधिकारों, ये प्रयोग फिर आ गया, पहले अध्याय की 16वीं आयत में हमने देखा था, दूसरे अध्याय की 10वीं आयत में इनके बारे में हमने पढ़ा, अब एक बार और उनका प्रयोग यहां पर आ रहा है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके बारे में ये भ्रमणकारी शिक्षक कुलुसी शहर में आकर सिखा रहे थे और इन बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग के द्वारा उनको भ्रमित और धोखे में डालने का प्रयास कर रहे थे। अब पौलुस उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी ही शिक्षा का खंडन करता है। देखिए, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, कहीं गुप्त में, रहस्य में नहीं, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कहाँ पर? क्रूस पर, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई।
प्रभु यीशु मसीह ने इन अधिकारों को और इन प्रधानताओं को ऊपर से उतार दिया, न केवल ऊपर से उतार दिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्यों और कैसे? वे इन पापों की सूची के आधार पर हम पर आरोप लगाते थे, वे हमें अयोग्य ठहराते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस महान बलिदान के द्वारा न केवल इस सूची को मिटा दिया, पर सूची को हमेशा के लिए हटा दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। दूसरा कुरिन्थियों के अंदर आप एक विजयी यात्रा के बारे में आप पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जय का उत्सव, उस समय पर जब एक युद्ध जीता जाता था तो सम्राट के सामने युद्ध के अंदर जिस जनरल ने युद्ध को जीता था वो एक बड़ी परेड करता था और परेड में वो आगे आगे चलता था और जितने बंदी बनाए गए थे उनको पीछे लाया जाया करता था और शहर के वासी तालियां बजाकर वाह वाही इस पूरी सेना को वे लोग प्रदान करते थे। कुछ कुछ ऐसा ही चित्रण हमें यहाँ मिल रहा है। जब शत्रु हमारे पर आरोप लगाना चाहता था, जब शैतान हमारे पर हमारे अधर्मों का लेखा, हमारे अधर्मों का हिसाब किताब मांग रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उतरने के द्वारा न केवल उस सूची को मिटा दिया परंतु उस सूची को हटा दिया और इसके द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्या आप इस सच्चाई को समझ रहे हैं? क्या आप इस सच्चाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं आमंत्रित करता हूं, अभी ही अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु धन्यवाद, ये सारी बातें मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, मैं तेरे प्रेम के द्वारा, मैं तेरे बलिदान के द्वारा अपनाया गया हूं, अब मैं आपका हूं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। पौलुस इस पद्यांश के अंदर कुलुसी शहर के अंदर भ्रमणकारी शिक्षकों के द्वारा दी जाने वाली गलत शिक्षा का खंडन कर रहा है। मैं यहाँ पर बिंदुओं के रूप में आपको उन गलत शिक्षाओं के बारे में सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गलत शिक्षा न केवल उन दिनों में पर आज भी हमारी कलीसियाओं में, हमारे शहरों में, हमारे क्षेत्रों में और हमारे जीवनों में हो रही है। इसलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। क्या थे वे प्रमुख बिंदु? देखिए, ये शिक्षाएं तत्व ज्ञान पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित नहीं है। दूसरा, ये व्यर्थ धोखे से भरी हुई है। तीसरा, ये मनुष्यों की परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं। चौथा, ये संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। पांचवा, ये मसीह के अनुसार नहीं है। छठा, बाहरी बातों पर जैसे खतना या अन्य रीतियां, बाहरी बातों पर ये गलत शिक्षा जोर देती है। सातवीं बात, आगे से मैं पढ़ रहा हूं, ये खाने पीने और ऐसे नियमों पर ज्यादा जोर देती है। अगली बात, ये पर्व या नए चांद या सप्त के दिन के विषय में ऐसी शिक्षाओं पर ये गलत शिक्षाएं जोर देती हैं। उसके अलावा आप पाएंगे ये मनुष्य को आत्महीनता की ओर प्रेरित करती है, गलत तरीके से अपने आप को हीन करने के विषय में प्रेरित करती है। इसके अलावा ये गलत शिक्षाएं स्वर्गदूतों की या दर्शनों की, सपनों की आराधना लोगों से करवाती है। इतना ही नहीं, ये शारीरिक बातों पर ज्यादा ध्यान दिलाती हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं करवाती है। ये सारी बातें आज भी हमारे बीच में हो रही है और इसलिए हमको इन बातों से सतर्क होना और सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप इन गलत शिक्षाओं से बचकर रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सीखिए, समझिए और सवाल हो तो पूछिए, ताकि आप भी इस परिपूर्णता से हमेशा के लिए भरपूर हो सके। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।